फ्रिज भी सिर्फ बेकार है, आपके बाहर 400 के पार, यानी कि सिलेंडर 400 के पार, आपके तो होगा 1500 पार, तेल जो है और का होगा 200 के पार। सब कुछ उल्टा हो रहा है, नाम लेते हैं, कारोबार देंगे, रोजी देंगे, रोजगार देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। राशन लेके होगा क्या? योगी की तो आ गई नहीं आई, आ गई ना इनकी, अब अब कुछ नहीं, राज बेबा है ये तो, इनके कोई औलाद भी नहीं है। ऐसा है, उनके उनके जुमले हैं, उन्होंने 15 लाख को भी कहा, बहुत सी चीज़ें उनके उन्होंने झूठ बोला, इसी तरीके से वो झूठ बोला, जनता को गुमराह कर रहे हैं। क्या लग रहा है भाई साहब? तो देंगे देंगे हम तो, ओवैसी को देंगे हम तो। कमी किसकी मानते हैं, सरकार की या फिर यहाँ के प्रत्याशी? सरकार की कमी है, एक ही तरफा बोल रही है। नमस्कार, मैं हूँ कृष्णा सोलंकी और आज एन भारत की जो चुनावी यात्रा है वो ऐसी ऐतिहासिक नगरी में पहुंची है जिससे कि उत्तर प्रदेश देश विदेश तमाम जगह पर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अभी हमारे साथ यहाँ की जो जनता जनार्दन है वो मौजूद है और जानेंगे वो तमाम सवाल कि आखिर इनके मन में चल क्या रहा है और लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके की सरकार ये जनता चाहती है। तो इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ की जो जनता जनार्दन है वो मौजूद है। क्या नाम है बाबू जी? मेरा नाम मोहम्मद अनवर मलिक है। अनवर जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? देखिए, सरकार जो है वहाँ गठबंधन होता है, ये इंडिया गठबंधन होता है, तो इंडिया गठबंधन में तो ये कोशिश करी जाएगी भाजपा को हराने की। तो क्या लग रहा है, क्या इंडिया गठबंधन सफल होने वाला है? उम्मीद तो है। अगर गठबंधन की बात करें तो उसमें तो नीतीश कुमार जी है और तमाम ये लोग हैं, ये तो सब भाग रहे हैं, कैसे सफल हो पाएगा? मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ, मैं नीतीश जी तो पहले चले गए, वो तो फाइनल हो गया उनका, वो चले गए अपने भाजपा के साथ में। अब इंडिया गठबंधन का मसला है, इंडिया गठबंधन में सारे लोग एक साथ लड़ते हैं और इनमें कोई भेदभाव नहीं होता है, और चेहरा जो है मायावती का, वजीर आजम का होता है, तो इंशाल्लाह भाजपा हारेगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है हम 400 पार जा रहे हैं। 400 पार है, 400 का पार मतलब 400 का, 4 सिलेंडर 400 का, तेल 400 का पार, ऐसा है उनके उनके जुमले हैं, उन्होंने 15 लाख को भी कहा, बहुत सी चीज़ें उनके उन्होंने झूठ बोला, इसी तरीके से वो झूठ बोला, जनता को गुमराह कर रहे हैं। क्या लग रहा है भाई साहब? बीजेपी सिर्फ कुछ नहीं कर रही, बीजेपी सिर्फ बेकार है, आपके बाहर 400 के पार, यानी कि सिलेंडर 400 के पार, आपके तो होगा 1500 पार, तेल जो है और का होगा 200 के पार। बीजेपी तो कह रही है सबका साथ सबके विकास के साथ, हम आपको दिखाते रहे विकास कितना बढ़िया, हमारे पास विकास है, आइए हम आपको दिखाते रहे, हम आपको लेकर जाते रहे। लेकिन बीजेपी तो कह रही है सबका साथ सबके विकास के साथ, ये विकास है, दिखाते रहे हम आपको कितना बढ़िया विकास है। राशन मिल रहा है आपको? हमें नहीं मिल रहा राशन, एक हमें नहीं चाहिए राशन वाशन, हम जो है मजदूर आदमी, हमें कुछ नहीं चाहिए राशन, ना हमें मिल रहा। कारोबार मेन चीज़ है, कारोबार ठप है यहाँ पे, बिल्कुल जाम की देख रहे हो आप, कितना जाम है यहाँ पे, हर जगह जाम है, कारोबार परेशान है, आदमी क्या करे, कहाँ से लाएगा। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के यहाँ पर सांसद है, मौजूदा सांसद, उनके द्वारा ऐसा विकास कार्य क्यों नहीं? कुछ नहीं करा विकास, एसटीएसएन साहब ने कुछ नहीं करा, मेयर रहे, सांसद रहे, कुछ नहीं करा एसटीएसएन साहब ने। तो समाजवादी पार्टी के हैं, तो जब भी तो मेयर थे वो, जब समाजवादी थी जब भी मेयर थे, जब भी कुछ नहीं करा उन्होंने, सांसद जी ने कोई विकास कार्य नहीं किया, विकास कुछ नहीं करा। अगर उन्हें टिकट मिलती है फिर क्या करोगे? नहीं मैं तो टिकट पर काम, सबसे पहले सवाल ये करेंगे कि हमारे 5 साल के लिए क्या करोगे आप? तो फिर उसके बाद आपके पास भारतीय जनता पार्टी का ही वो रह जाएगा ऑप्शन? भारतीय जनता पार्टी को देंगे ही नहीं, किसी को तो देंगे, देंगे हम तो ओवैसी को देंगे हम तो। कहीं ना कहीं सबका अपना अलग अलग मत है, हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे। रमजान का पावन त्योहार अभी जो है चल रहा है लोगों का, तो ऐसे में हम उन लोगों के साथ ही मौजूद है जो कि इस पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं। इन लोगों से भी जानेंगे कि आखिर माहौल क्या चल रहा है, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, इन लोगों की क्या राय है? क्या नाम है बाबू? मेरा नाम शहजादा है। क्या लग रहा है इस बार, बदलाव होगा या नहीं होगा? बदलाव की बात तो ऐसी, हम इंसान को बंदों क्या चाहिए कि एक अच्छा नेता मिल जाए, अच्छा नागरिक होने के दागे हम उसे वोट दें चुने, लेकिन सब कुछ यहाँ उल्टा हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। नाम लेते हैं, कारोबार देंगे, रोजी देंगे, रोजगार देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। राशन लेके होगा क्या? राशन लेके होना क्या, कुछ नहीं होना है। मेन आदमी चाहिए, कमर तोड़ दिए कारोबार दे, सरकार को चाहिए पहले बंदों को कारोबार दें, कारोबार और कुछ नहीं है, कारोबार है सब कुछ है। नेता कोई सा भी आए, हमें से आपत्ति नहीं है, एक अच्छा विकास चाहिए, हमें अच्छा नेता चाहिए बस। जय हिंद जय भारत। इसमें कमी किसकी मानते हैं, सरकार की या फिर यहाँ के प्रत्याशी? सरकार की कमी है, एक ही तरफा बोल रही है, अगर बोल देखा जाए तो एक ही तरफा चल रही है हर चीज़ पे, क्या बोला जाए, आगे बोलेंगे तो बात बहुत ख़राब होगी। इतनी बात सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा माशरा जानता है, सब जानते हैं कि क्या चल रहा है, एक तरफा बॉलिंग चल रही है। हमारे साथ ताऊ जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली है? सरकार तो इसकी आ गई, योगी की तो आ गई नहीं आ गई, नहीं आ गई
ना इनकी आवे हम कुछ नहीं राज में बाहर ये तो इनके कोई औलाद भी नहीं है। सब ईवीएम का खेल है, सब ईवीएम का। ईवीएम हटवा दो, हम ईवीएम हटवाना चाहते हैं साहब, ईवीएम हटवाना चाहते हैं। विकास सब तेल लेने गया, सब कुछ नहीं है विकास। चलिए तो ये थी हमारे साथ जो है जनता जनार्दन मुरादाबाद की, जिन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। ये वही जनता है जिसके द्वारा सर पर ताज बिठाया जाता है और लोगों को नेता बनाया जाता है, लेकिन उन्हीं नेताओं का इसी जनता को फिर नौकर बना दिया जाता है। देखने वाली बात ये होगी आखिर मुरादाबाद में किसके सर पर ताज होगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं कृष्णा सोलंकी, मुरादाबाद एन भारत।